काइल जेमिसन के सामने विराट कोहली। लगा है भारी किनारा, भारतीय कप्तान एक बार फिर बने जेमिसन का शिकार। पहली इनिंग्स में लेग बिफोर, दूसरी इनिंग्स में कॉट बिहाइंड, बड़ा झटका। भारी किनारा एक बार फिर है, इस बार चेतेश्वर पुजारा। रॉस टेलर ने पकड़ा कैच, जेमिसन ने पहले कोहली फिर पुजारा दोनों को भेजा पवेलियन। ये थोड़ा सा जोखिम भरा शॉट जरूर था, पर रिस्क ना लेना ही रिस्क लगता है ऋषभ पंत को। कदमों का किया इस्तेमाल, मारना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं और। ऋषभ पंत के मंसूबे बिल्कुल साफ है, अटैक। यहां थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे हैं, लगा है बिल्कुल लगा है किनारा अजिंक्य रहाणे। थोड़े से अनकंफर्टेबल जरूर प्रतीत हो रहे थे और बोल्ड की गेंद पे हुए आउट। राउंड द स्टंप्स, बाहरी किनारा एक बार फिर, बहुत देर से बाउंसर ट्रैप लगा के रखा था, अंत में फंसा लिया है रविंद्र जाडेजा को नील वैगनर। राउंड द स्टंप्स, ट्रेंट बोल्ट एक बार फिर बड़ा शॉट मारने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद सिर्फ ऊपर गई है, ज्यादा दूर नहीं। हेनरी निकल्स, ओहो व्हाट अ कैच, व्हाट अ स्टूपेंडस कैच। ऋषभ पंत की 41 रन की पारी यहां हुई समाप्त। ये चेहरे बता रहे हैं कितनी महत्वपूर्ण थी ये विकेट। और ये देखिए बाहरी किनारे एक बार फिर, रॉस टेलर, अश्विन को यहां आउट किया ट्रेंट बोल्ट ने, झटका। ये शॉट अच्छा है, ये गैप में शॉट है, ये चौके वाला शॉट है। मोहम्मद शमी लगातार आक्रमण पे जुटा हुआ है भारत। ये शॉट, ये भी तो रन देकर जाएगा, मानना कहीं चाहते थे गेंद जा रही है कहीं और। केन विलियमसन द कैप्टन, वो एक फ्लाइंग स्लिप पे फील्डर है, वहीं पर तो गई है बॉल, फ्री होम डिलीवरी। मोहम्मद शमी के रूप में एक और विकेट गवाया भारत ने। टिम साउदी बाहरी किनारा एक बार फिर, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। भारतीय टीम 170 पर सिमट गई है, लीड है मात्र 138 की। ओवर्स अभी भी काफी बचे हैं, स्टार्ट तो बहुत खिलाड़ियों को मिली लेकिन बड़ी पारी एक भी नहीं, एक भी अर्धशतक नहीं। ये अच्छा शॉट है डाउन द ग्राउंड मोहम्मद शमी, लेकिन डेवन कॉनवे पहली इनिंग्स में भी अर्धशतक जड़ा था, चौका यहां भी मारा है। जसप्रीत बुमराह, और ये खूबसूरत ये ड्राइव है, ये पिक्चर परफेक्ट शॉट है। डेवन कॉनवे, ये महंगा ओवर है जसप्रीत बुमराह का, ये कूदे और बीच में खड़े टॉम लेथम, छठी बार टेस्ट क्रिकेट में आउट किया है रविचंद्रन अश्विन ने। जाल बिछाया था और लेथम को फंसाया है। इज देयर अ ट्विस्ट इन द टेल। ये आउट है बिल्कुल सामने, आम बॉल अंदर की तरफ जाके लगी पैड पर, उंगली की है खड़ी। दो विकेट गिरा दी हैं, दो विकेट चटका दी हैं। ये अच्छा शॉट है, ये गैप में शॉट है, शॉट और वाइड। रॉस टेलर के लिए ये इजी पिकिंग्स है, बहुत स्ट्रांग है इस तरफ। एक बार फिर बाजुएं खोलने का मौका, रॉस, एक और चौका। ईशांत शर्मा का ये सिर्फ चौथा ही ओवर है। रविंद्र जाडेजा, लेकिन ये शॉट बेहतरीन है, ये केन का शॉट है, ये क्लास शॉट है, क्लास विद अ के। बाहरी किनारा, नहीं नहीं नहीं, चेते हुए नहीं थे पुजारा, ये कैच छूटा है। टेलर ने कैच बहुत पकड़े पर उनको मिला जीवनदान। दिस इज ब्यूटी अलोंग द कारपेट, केन कंसिस्टेंट विलियमसन। ये थोड़ा दिशा में भटके हैं और आसान सा चौका, ये टेलर और न्यूजीलैंड के खाते में 100 का स्कोर, उल्टी गिनती शुरू। एक बार फिर रॉन द राइज, बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं था लेकिन ये खिलाड़ी बहुत ही अद्भुत है। 1-1-1 for 2, कदमों का इस्तेमाल, एक बार अगेंस्ट द स्पिन, पिच पर जरूर पहुंचे और मंशा कर दी साफ, थोड़ा जल्दी में है अब कप्तान। ये पैरों पर गेंद है, ये आमंत्रण है और आमंत्रण को स्वीकार किया है, चौके में तब्दील किया है। मोहम्मद शमी, ये भी अच्छा शॉट है, गेंद खराब नहीं थी पर केन का क्लास अलग है। अर्धशतक पहली पारी में 49, इस बार हाफ सेंचुरी। रॉस द बॉस, और न्यूजीलैंड ने जीत ली है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, दे आर द फर्स्ट टेस्ट चैंपियन। 144 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2424 टेस्ट मैच के बाद आपको मिला है पहला टेस्ट चैंपियन। फायर वर्सेस आइस का ये मुकाबला था, आइस जीत गया है।
पैशन वर्सेस प्रोसेस का ये मुकाबला था, प्रोसेस जीत गया है। इस टेस्ट मेज पर नाम लिखा जाएगा न्यूजीलैंड का। गुड बॉयज डोंट ऑलवेज फिनिश लास्ट। 21 साल के लंबे इंतजार के बाद आईसीसी ट्रॉफी पर है न्यूजीलैंड का कब्जा, न्यू वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, फर्स्ट एवर।